उत्तर प्रदेश में पुलिस के सबसे बड़े मुखिया यानी डीजीपी की नियुक्ति लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। गाहे बगाहे अक्सर सियासी शोर भी खूब मचता है और यह हर सरकार के दौर में दिखाई देता रहा है, लेकिन इस बार सूबे की योगी सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर एक बड़ी लकीर खींच दी। योगी सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार कर दी है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। कुल मिलाकर यूपी में डीजीपी की नियुक्ति अब राज्य सरकार के स्तर से हो सकेगी, और तो और अब डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री को, मैं हर प्रदेश की बात करूंगा, ये निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। अगर जवाबदेही मुख्यमंत्री की है तो मुख्यमंत्री का निर्णय होना चाहिए, अगर जवाबदेही यूपीएससी लेने को तैयार है तो फिर यूपीएससी निर्णय इस बारे में ले सकता है। निर्णय ये स्वागत योग्य है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए योगी जी ने बहुत काम किया है, इससे और ताकत मिलेगी। दरअसल अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार डीजीपी के चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग को डीजी लेवल के कुछ अफसरों के नाम भेजती थी। इसमें केंद्र का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग यानी डीओपीटी 3 सीनियर मोस्ट अधिकारियों का पैनल बनाकर भेजता है। उन 3 अफसरों के नाम में एक अफसर को डीजीपी बनाया जाता है। ऐसे में आयोग के कई नियम कुछ अफसरों को डीजीपी बनने में आड़े आते हैं। इस कड़ी में सूबे में 11 मई 2022 को मुकुल गोयल के हटने के बाद बीते 2.5 सालों से कार्यवाहक डीजीपी से ही काम चलाया जा रहा था। अब इस नियम के बाद यूपी सरकार और उसकी सिलेक्शन कमेटी अपना परमानेंट डीजीपी चुन सकती है। सरकार के इस फैसले पर विपक्षी खेमे में खलबली दिखाई दी है। चर्चा ये भी है कि यूपी सरकार प्रशांत कुमार को पूर्णकालिक डीजीपी बनाने की तैयारी कर रही है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है, सुना है किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है, दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0। जो 2 साल का नियम बना है ये साबित कर रहा है लेकिन लखनऊ दिल्ली में सब कुछ ठीक नहीं है, और इस प्रदेश ने जो डीजीपी दिए हैं, जो नई परंपरा शुरू की कारवाहक की, आप देख लीजिए 50 पायदान हैं, वो अधिकारी कितने निराश हैं, कितना मनी मन दुखी हैं कि उन्हें मौका नहीं मिला काम करने का। कितने आईपीएस होंगे जिन्हें मौका नहीं मिला, और अपने खासम खास और अपने पक्के को बैठाने के लिए, इसलिए कि जिससे कि बेईमानी की जा सके, जिससे अन्याय किया जा सके, जिससे कानून की धज्जियां उड़ाई जा सकें, इसलिए सरकार अपना ऐसा फैसला कराना चाहती है, नियम बनाना चाहती है कि उन्हीं के कोई ना कोई बैठ जाए। अखिलेश यादव जी अपने पिछले पन्ने स्वयं पलट के देख लें, अपनी सरकारों में अपने पल्ले पलट के देख लें। आपने तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने के डीजी उत्तर प्रदेश को दिए, आपने क्यों नहीं 2 महीने 2 साल के डीजीपी उत्तर प्रदेश को दिए? ऐसा नहीं है कि यह सरकार का कोई अपना जबरदस्ती का फैसला हो। सुप्रीम कोर्ट पुलिस सुधारों के मामले में दिए आदेश में ये रास्ता निकाला जा चुका है। वहीं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 को मंजूरी मिलने पर विपक्षी खेमा सरकार पर ही सवाल उठा रहा है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि अमित शाह कोई अपना वहां पर डीजीपी लगाना चाहता है और योगी आदित्यनाथ अपने डीजीपी को रखना चाहते हैं। झगड़ा मूल रूप से इसी बात का है, जिसके कारण से आनंद फानंद में, मैंने तो आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं सुना, मैं तो यूपी का रहने वाला हूं, मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी सरकार ने कैबिनेट में यह पास किया हो कि 2 साल तक डीजीपी का कार्यकाल होगा और यूपी की सरकार उसको नियुक्त करेगी। तो ये सीधे तौर पे जो बात हम लोग बार बार कहते हैं कि ये मोदी योगी अमित शाह योगी का जो झगड़ा है उसके कारण ये फैसला हुआ। बहरहाल यूपी में अब डीजीपी का चयन एक स्पेशल कमेटी के जरिए होगा, लेकिन विपक्ष इसे दिल्ली बनाम लखनऊ का दंगल बताने में जुटा है। यूपी से पहले 3 और राज्यों में ये नियम लागू है। ऐसे में सवाल यही है कि सरकार ने जो लिया है फैसला,
विपक्ष क्यों मचा रहा है हल्ला? अगर सूबे में ही हो जाए काबिल अधिकारी का सिलेक्शन तो विपक्ष को क्या टेंशन?